उन्होंने कहा ये तुम्हारी राइटिंग हो ही नहीं सकती, चलो बनाओ, अगर दूसरे से बनवाए होगे तो मैं तुम्हें डंडे बजाता हूँ। क्या है भाई, जब हमने चीटिंग नहीं की थी, हमने खुद बना दिया, वो अजीब रहेगा कि यार तुम अजीब लड़के हो। मतलब एक दिन में अपनी राइटिंग सुधार के रख दिए, एक दिन में अपनी राइटिंग चेंज करके उनके पास गया, जब लिख कर मैंने दिखा दिया तो उन्होंने सोचा कि यार ये तेरी राइटिंग है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यार हम अपनी राइटिंग कैसे सुधारें। बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप हमें बताइए कि हम अपनी राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी राइटिंग कैसे सुधारेंगे, वो भी एक दिन के अंदर आपकी राइटिंग बदल जाएगी। वो पूरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने किया था, ये मैंने अपने ऊपर इसको चलाया था तभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये नहीं है कि भाई कहीं से देख लिया या कुछ, खुद प्रैक्टिस किया था। तो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ आसानी से कि आप लोग अच्छी राइटिंग कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपको इंग्लिश की राइटिंग सुधारनी है या हिंदी की, किसी भी विषय की राइटिंग सुधारनी है, किसी भी वर्ड को आपको बनाना है, जो वर्ड आपसे नहीं बनते, जो वर्ड आपके लिए परफेक्ट हैं उनको आप एक साइड रखिए कि भाई ये मुझसे बन रहे हैं, ठीक है, और जो वर्ड आपसे नहीं बनते उनको एक साइड रखिए कि ये मुझसे नहीं बन रहे हैं। तो उन्हीं वर्डों को आप छांट लीजिए। अब आपको राइटिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको राइटिंग बनाने के लिए क्लास वन के बच्चे के समान बनना पड़ेगा। अब आप सोचोगे मैं क्लास टेंथ में हूँ, ट्वेल्थ में हूँ, भाई मैं ये कैसे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लास वन में जाकर नाम लिखवा लो, ये बोल रहा हूँ कि क्लास वन के बच्चे के जैसे बनना पड़ेगा। क्लास वन के बच्चे को या वन टू थ्री के बच्चे को हम राइटिंग सुधारने के लिए कैसे काम देते हैं, आप जानते होंगे कि भाई एक वर्ड हम कॉपी में बना दिए इस प्रकार, अब इस प्रकार जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, अब इस प्रकार से हम वर्ड दे देते हैं, बच्चा मतलब बगल में बनाता जाता है, या तो हम उसमें जो राइटिंग वाली बुक आती है आप बिंदी का बिंदी ऐसे लिखा होता है उसमें वो पेन चलाता है ऊपर, तब उसकी राइटिंग सुधरती है। तो आप लोगों को राइटिंग सुधारने के लिए क्या विदेश से नीति लानी पड़ेगी, इसी तरह आप लोगों को भी करना पड़ेगा क्लास वन के लड़के की जैसे। ये मैं आपको अपने प्रैक्टिस से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, राइटिंग बुक ले लेना है अगर आप चाहें, पैसा अगर आपके पास है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं है तो आगे वीडियो को देखते रहो, वो भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला। तो देखिए वो राइटिंग बुक लेकर आपको बार बार वही वर्ड बनाने हैं, गलत वर्ड कभी भी नहीं बनाने हैं। अगर आप अपने टीचर के कुछ भी सब्जेक्ट लिख रहे हो अपने विषय का, उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको गलत तरीके से कभी नहीं लिखना है कि भाई जो वर्ड नहीं बन रहा है उसी को आप जल्दी जल्दी बाजी चक्कर में लिखते चले जा रहे हैं, इस तरह से आपकी राइटिंग और भी भद्दी हो जाती। क्यों, क्योंकि आपका हाथ यार हमारा दिमाग ऐसा होता है ना, हम इसको जिस तरीके से ढालना चाहें ढाल सकते हैं। कैसे भाई, आप मान लो अब जैसे लिख रहे हो आप हमेशा देखोगे वैसे ही आपका का बनेगा, वैसे ही खा बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे हाथ बैठा हुआ है वैसे। तो अपना हाथ को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप लोगों को राइटिंग बुक लाना है, उसमें आपको चलाना है, या तो आप चाहें तो चलिए दूसरी ट्रिक हम आपको बताते हैं जिससे आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक है कि आप अपने दोस्त की राइटिंग से देखकर अपनी राइटिंग कैसे बना सकते हैं। देखिए आप अपने दोस्त को चुन लीजिए जिसकी सबसे अच्छी राइटिंग आपको लगती हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों को दूसरी राइटिंग अच्छी लगेगी किसी की दूसरी, लेकिन हाँ अच्छी राइटिंग होती है जिसकी भी अच्छी लगे, आपकी टीचर की लगे या आपके दोस्त की लगे। टीचर की लगती है तो टीचर से वही ट्रिक आप अपना सकते हो, दोस्त से लगती है तो दोस्त से अपना सकते हो। कैसे, चलिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि अपने दोस्त के पास जाना है, भाई दोस्त है, अब उससे आपको क्या कहना है कि भाई तू मेरे का बना दे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस बच्चे की राइटिंग में कैसे सुधरवा रहा हूँ, एक वर्ड बना देता हूँ पूरे पेज में बना देता हूँ, उसके ऊपर मैं उसको चलाने के लिए बोलता हूँ। कैसे भाई, देखो जिस प्रकार चलाना है वैसे ही चलाना है, ये नहीं कि मतलब आपने का ऐसे बनाया और आप ऐसे उल्टा पेन चला रहे हैं, नहीं, जिस तरीके से वो बना रहा है ऐसे वैसे ही आपको उसमें चलाना है, इससे आपका हाथ उसमें बैठ जाएगा और आपकी राइटिंग मतलब बुलंदियों को छूने लगेगी। तो देखिए क्या करना है कि अपने दोस्त से पूरे पेज, दो पेज, तीन पेज, जब तक आपसे बनने ना लगे, एक अक्षर उठाइए, ये नहीं सुलेख लिखने के बहुत सारे लोग बोल देते, नहीं सुलेख आपको नहीं लिखना, एक अक्षर आपको उठाना है, एक अक्षर उठाए, अब वो अक्षर आपसे मान लीजिए का नहीं बन रहा है तो अपने दोस्त के पास गए कि भाई ये एक पेज में तू मेरे रिक्वेस्ट करो या कुछ कैसे भी बना दे, ठीक है, एक पेज में बना दे, पूरा पेज में आप उससे राइटिंग से अच्छे से का बनवा लो, ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली कॉपी यूज करो, बीच वाले में छोटा छोटा आप लिखो जिससे आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी बनेगी, ठीक है। तो उस या तो आप एकदम सादा पेज जो होता है ना आपका जो आर्ट वाला होता है उसमें कर सकते हो, तो अपने दोस्त से लिखवाओ, फिर उसकी आप फोटो कॉपी करवा लो, क्योंकि वो बार बार तो लिखता नहीं रहेगा आपका दोस्त, ठीक है, एक पेज लिखवा लिए, अब वो मान लीजिए थक गया दूसरे दिन से ना बनाए, ये भी हो सकता है, अगर आपका दोस्त अच्छा है तो आप लिखवाते चाहिए, आपको फोटो कॉपी करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस उसमें आपको फोटो कॉपी करवाना है, उसके ऊपर आपको बार बार चढ़ाते जाना है, चढ़ाते जाना है, चढ़ाते जाना है, मतलब अपना वर्ड वैसे ही चढ़ाते जाना है,
ठीक है, उल्टा नहीं, जैसे वो बना रहा है वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको मैं प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा, लेकिन ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, उसमें चढ़ाते जाइए, एक वर्ड को दो या तीन पेज में मतलब चढ़ा डालिए, ठीक है, बहुत से फोटो कॉपी करवा लीजिए। गारंटी के साथ दोस्तों कहता हूँ कि चार पेज अगर आप राइटिंग से लिख देते हैं या ऊपर उसके पेन चढ़ा देते हैं तो आपकी राइटिंग वैसे ही अगर ना बैठने लगे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो या डिसलाइक कर देना, जो करना है वीडियो को आप कर देना, ठीक है। लेकिन इसको आप फॉलो जरूर कर लो, इसको आप कर लेते हो तो फिर आप यार डिसलाइक करने आओगे ही नहीं, क्योंकि आपका बनने लगेगा। तो यही आपका तरीका है, जैसे खाना ही बन रहा है तो वैसे ही अपने दोस्त से लिखवाओ और वैसे ही पूरा फॉलो करते जाओ, वैसे ही बनाते जाओ, आपकी राइटिंग वैसे सेम उसके जैसे बनने लगेगी, मैं बोल रहा हूँ सेम, ठीक है। तो इस तरह से आपकी राइटिंग सुधरेगी, और कोई भी तरीका नहीं। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं रोज़ सुलेख लिखो, एक दिन में राइटिंग सुधारने का मैं तरीका बता रहा हूँ। सुलेख तो भाई रोज़ लिखो, लिखो दो पेज, लिखो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप गलत तरीके से उसको बनाते रहोगे और वो हमेशा आपका गलत ही रहेगा, कुछ नहीं सुधरेगा। सुधारना एक दिन में पड़ेगा आपको, एक वर्ड लेना है, बार बार बनाना है, इसी तरह ज्ञातक कर देना जो वर्ड आपसे नहीं बन, इसी तरह ए बी सी डी में भी यही है हाल, ठीक है। इसी तरह आपको राइटिंग सुधारना है। आई होप आप समझ गए होंगे, एक वर्ड को मैंने बार बार थोड़ा बोला लेकिन हाँ आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्लास एक का लड़का बनना पड़ेगा, एक दिन के लिए अपने दोस्त से लिखवाओ, फॉलो करो, अगर वो नहीं लिखता है एक पेज में लिखवा लो हर वर्ड, एक एक पेज में, एक एक पेज में, फिर फोटो कॉपी करवा लो, बार बार करो, एक दिन में आपकी राइटिंग बने। मैं तो फोटो कॉपी वॉपी नहीं करवाया था, अपने सुधारा था, मैं देख देख के कि भाई ये कैसे बनाए उसको, मतलब एकदम धीमे धीमे लिखा लिखता था, कुछ देर धीमे धीमे लिखा, मान लीजिए 5 मिनट तक मैंने 5 वर्ड बनाए केवल धीमे धीमे, फिर उसके बाद थोड़ा और स्पीड बढ़ेगी, इसलिए सी बात है प्रैक्टिस, उसके बाद फिर और स्पीड बढ़ी धीरे धीरे धीरे, फिर मेरी राइटिंग एकदम अच्छे से हो गई। मेरी भी राइटिंग यार एकदम भद्दी थी, जब मैं क्लास 10th में था 6 मंथ बीत चुके थे, मेरी राइटिंग इतनी भद्दी थी कि मुझे टीचर ने इतना डांटा, तेरी राइटिंग सही नहीं है तू क्या करेगा, ये मतलब एक ऐसे तुम क्या करोगे ऐसे मतलब बोल रहे थे। अब मैंने क्या किया, तो इस तरीके से कुछ किया जाता है, करना है कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आप किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो हमसे ये व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि तैयारी कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, कैसे कुछ भी आपको अपने पर्सनल चीज़ों से आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ही तत्पर रहूँगा हमेशा के लिए। बस यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा देना, ठीक है। बस और हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।